ममेव वांसु जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थितानि कर्षति। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में जीव बना हुआ है, आत्मा मेरे ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित होकर मन और पांचों इंद्रियों को अपना मान लेता है। हम आपके सामने लगातार मित्रों सनातन ग्रंथों का रहस्योद्यन कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने आपके सामने कठोपनिषद पर आधारित 3 श्रृंखला प्रस्तुत की है, जिसमें मृत्यु के देवता यमराज बालक नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश दे रहे हैं, और आज हम कठोपनिषद की तृतीय वल्ली की व्याख्या करेंगे, जिसमें आत्मा और परमात्मा का विशद वर्णन किया गया है। तो यमराज कहते हैं कि रूतम पीवंतो सुकृतस्य लोके गृहाम प्रविष्टो परमोपरार्थो छाया तपो ब्रह्माविदो बदंती पंचाग्योए चित्रा चिकेता। अर्थात परमात्मा और जीवात्मा मूल रूप से एक है, किंतु उसमें एक भिन्नता है। दोनों मानव देह के भीतर हृदय प्रदेश में स्थित रहते हैं और रुद का पान करते हैं, लेकिन वास्तव में कि जीवात्मा कर्म फल का भोग करता है, परमात्मा कोई भोग नहीं करता, किंतु दोनों के समीप रहने के कारण सत्यनाश दोनों को कर्म के फल का पान अथवा भोग करने वाले कह दिया गया है। जैसे कि एक छतरी के नीचे दूसरे व्यक्ति आ जाने पर उससे भी छतरी वाला कह दिया जाता है। जीवात्मा भोक्ता होता है, किंतु निरुपाधिक परमात्मा अथवा सुपाधिक ईश्वर भोक्ता नहीं होता है। बुद्धि में प्रकाशमान परमात्मा का बुद्धि में ही प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। और यमराज आगे कहते हैं, यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्मा यत परम अव्ययम तितिस्यापारम नचिकेतम सके महि। अर्थात आध्यात्मिक साधना में प्रार्थना का अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक साधना में प्रार्थना का अत्यधिक महत्व है। प्रार्थना मनुष्य को निरहंकार करके विनम्र बना देता है, और विनम्रता मनुष्य को आध्यात्मिक उपलब्धि का अधिकारी बना देता है। अहंकार अंधकार की भ्रांति चेतना को आवृत एवं विवृत कर देता है। मित्रों, प्रार्थना परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है। मैं फिर से कहूंगा कि प्रार्थना परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है। प्रार्थना परमात्मा के प्रति भावपूर्ण आत्मसमर्पण एवं अंतकरण की पुकार होती है। प्रार्थना एक भाव योग है जो मनुष्य को परमात्मा के साथ जोड़ देता है, और ज्ञान के साथ भक्ति भाव होना अत्यंत आवश्यक होता है। भक्ति शुष्क ज्ञान को रसमय बना देता है। आत्मानं रथितः विधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विधि मनः प्रग्रह भैव च इंद्रियाणि हयानु विषयानुस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयक्तम भुक्त्वा पूर्वनिशीण। अर्थात मानव जीवन एक यात्रा है। विवेकशील पुरुष अपने जीवन को आनंदमय बना लेता है, तथा विवेकहीन मनुष्य इससे दुखमय कर लेता है। मनुष्य का शरीर एक रथ के सदृश है, जिसकी स्वामी कौन है? जीवात्मा है।
चेतन जीवात्मा से वियोग होने पर शरीर निश्चेष एवं जड़ हो जाता है। मृत्यु का अर्थ है देह से चैतन्य तत्व जीवात्मा का वियोग हो जाना। जीवात्मा शरीर में स्थित रहकर बुद्धि, मन, इंद्रियों तथा प्राण के द्वारा मनुष्य को सचेष्ट एवं सक्रिय रखता है। बुद्धि मानव सारथी है और मन प्रहर लगाम है। मन संकल्प विकल्प इच्छा करता है तथा बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। इंद्रियों घोड़ों की भांति विषयों की ओर भागती है। विषय इंद्रियों के विचरण का मार्ग अर्थात क्षेत्र होता है। जीवात्मा देह, बुद्धि, मन और इंद्रियों के साथ जुड़कर सुख दुख का भोग करता है। जीवात्मा भोगता होता है। वास्तव में मित्रों बुद्धि ही मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर श्रेय अथवा प्रेय के मार्ग पर चलाती है। मैंने पहले आपको बताया था श्रेय क्या होता है और प्रेय क्या होता है। तो मित्रों यदि बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो जाए तथा मन और इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ दे तो क्या होगा? तो जीवात्मा को भटका कर दुखी बना। तो जमराज आगे कहते हैं यस्य विज्ञानवान भवयुक्तिते मनसा सदा यस्यो इंद्रियाण वसायानि दुष्टस्व इव सारथे यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेत मनसा सदा तस्म इंद्रियाणि वस्यानि सदस्य इव सारथे। यानी कि मानव देह में जीवात्मा जो परमात्मा का दिव्य अंश है तथा शुद्ध रूप में परमात्मा ही है, जीवन रथ के स्वामी के रूप में संस्थित है। और मित्रों जीवन रथ मानो चार चक्रों जैसे चार पहिया होता है, चार पहियों पर चलता है और उसकी गति चतुर्दिक विकास प्रक्रिया की सूचक है। बुद्धि सारथी के सदृश है तथा वो उचित अनुचित भले बुरे का निर्णय करते हैं। मन लगाम है जो इंद्रियों को संचालन करता है और इंद्रियां अपने विषय भोग्य पदार्थ के मार्ग पर चलने में आतुर रहता है, यह हम सब जानते हैं। और बुद्धि जीवात्मा से प्रकाश लेकर मन को नियंत्रण कर सकती है और मन इंद्रियों को नियंत्रण रखकर उन्हें स्वच्छंद विचरण से रोकता है। मानव का देह उत्तम उपकरण है और उसके उपयोग अथवा दुरुपयोग का जो दायित्व है वो मनुष्य की बुद्धि पर ही होता है। इसीलिए मित्रों वेदों और उपनिषद में परमात्मा से सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए अगणित प्रार्थनाएं की गई है। यस्थ विज्ञानम भवत्यमस्तक सदा सुचि न सतप्त पदाप्ति संसारम चाधिगच्छति यंतु विज्ञानवान भवन्ति समनस्क सदा सोचुति सातु तप्त पदाप्तोति तस्मात् भूयो न जायते। विज्ञान सार तीर्थस्तु मनः प्रगरमान नरः स्वदानः पार प्राप्तेनि ताद्रिणो परमं पदम्। यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य को उसकी जीवन यात्रा के लिए एक संपूर्ण साधन संपन्न शरीर रथ प्रदान किया है तथा वो स्वयं प्रत्येक मनुष्य के भीतर जीवात्मा के रूप में संस्थित होकर उसे गतिशीलता एवं क्रियाशीलता की सामर्थ्य दे देता है और जीवात्मा के रूप में स्वयं परमात्मा के विराजमान होने के कारण मनुष्य का सचेतन शरीर मानव परमात्मा का मंदिर ही होता है।
शरीर का धर्म और कर्म का उपकरण मानकर उसको स्वस्थ एवं सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। चेतना विकास क्रम में बुद्धि संपन्न होकर मनुष्य सृष्टि का सिरवर हो जाता है। बुद्धि अर्थात जो चिंतन है, मनन है, स्मरण, कल्पना, तर्क, निर्णय, ये आदि शक्तियों से युक्त होकर मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया है। और क्या हुआ है, ये समाज को एक व्यवस्था भी दे दी। विकास क्रम में चेतना के विकास से ही बुद्धि का उदय होता है, किंतु बुद्धि के समग्र विकास एवं सदुपयोग से चेतना शक्ति का भी अभ्युदय होता है। मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य परम तत्वों की जिज्ञासा एवं परम तत्वों को खोज के द्वारा उनकी प्राप्ति करना है। मित्रों, विवेकशील पुरुष कर्म क्षेत्र में सक्रिय रहकर भी संसार के पार चले जाने हैं और सत्य का संदर्शन वो कर लेते हैं। मनुष्य अपने भीतर परम शांत रहकर ही तब जाके सत्य का संदर्शन कर सकता है। जो व्यक्ति विवेकहीन होता है उसकी बुद्धि अपने भीतर ही विराजमान परमात्मा के दिव्य तेज से प्रकाश, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन न होने का कारण लक्ष्य से भटकती रहती है तथा सदा मोह एवं सुख से ग्रस्त रहती है। बुद्धि के भटकने पर उसका मन पर भी नियंत्रण नहीं रहता है तथा मन चंचल एवं अस्थिर हो जाता है। चंचल मन इंद्रियों को स्वेच्छाचारी होने से नहीं रोक पाता है। इस प्रकार विवेकहीन बुद्धि वाले तथा असंयत मन वाले मनुष्य की जीवन धारा ही दूषित हो जाता है। वो संसार चक्र में अर्थात राग द्वेष आदि में फंसकर विनष्ट हो जाता है। इंद्रियोभ परात्वार्थ अर्थभ्यश्च परम मनः मनुष्यस्तु पराबुद्धि बुद्धिर्यात्मा महान पर। अर्थात मानव देह अपने में पूर्ण होती है, मनुष्य की इंद्रिया बलवती होती है, किंतु उसकी आकर्षण करने वाला पदार्थ उसकी अपेक्षा अधिक बलवान होती है। इंद्रियों तथा उनकी विषयों की अपेक्षा मन अधिक बलवान और उच्चतर होता है। यदि मन दृढ़ हो तो इंद्रियों को स्वच्छंद अथवा उच्छृंखल नहीं होने देता है। मन इंद्रियों की विषयों को और आकृष्ट नहीं होने देता है, किंतु बुद्धि जो है वो मन की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, क्योंकि वो विचार पूर्वक निर्णय एवं निश्चय करती है। बुद्धि से भी परे अर्थात अधिक उत्कृष्ट, बलवान एवं श्रेष्ठ जीवात्मा होता है, जो जीवन रथ का स्वामी होता है। और वास्तव में मनुष्य का जीवात्मा अपना मूल स्वरूप में शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा परमात्मा ही होती है, और जीवात्मा की चेतन सत्ता ही बुद्धि को प्रकाशित करती है और संपूर्ण देह और तथा इंद्रियों को वो सचेष्ट एवं सक्रिय। और मित्रों, जीवात्मा ही मानव जीवन का आधार एवं स्तोत्र होता है। महतः परमा व्यक्त व्यवस्थान पुरुषः पर पुरुषान्न परम कृचिष्ठा काष्ठा सा परागति। अर्थात मनुष्य के देह में संस्थित जीवात्मा जीवन का आधार और स्तोत्र होता है तथा अपने विशुद्ध स्वरूप में जीवात्मा ब्रह्म ही होती है, और ब्रह्म ही सत्य है तथा सत्य दृष्टि से अगर हम देखें जगत मिथ्या अर्थात नश्वर। जीवात्मा की माया से आवृत रहने के कारण भगवान की अव्यक्त माया शक्ति जीवात्मा से भी अधिक बलवत होता है।
किंतु मित्रों अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ स्वयं परम पुरुष परमात्मा ही है। परम ब्रह्म परमात्मा अर्थात परम पुरुष से बढ़कर अथवा उच्चतर कोई भी नहीं होता इस जगत में, और परमात्मा ही सबकी सीमा ही तथा ही परम गति से ही परमात्मा की प्राप्ति होता है। परम पद है जो अत्यंत दुर्लभ होकर भी बुद्धि की निर्लता तथा मन की स्वच्छता द्वारा अपने भीतर ही सदा सुलभ है। उपनिषद में स्पष्ट घोषणा है कि परमात्मा सर्व दुर्लभ है तथा मन एवं बुद्धि की पवित्रता द्वारा सबके लिए वो अपने भीतर ही प्राप्त है। और इसी बात को हमको समझना पड़ेगा कि ये गुण तत्व क्या है। एवं सर्वेषु भूतेषु बुढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्यग्र याता बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मादि भी, यानी विश्व की परम सत्ता सूक्ष्मादि सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से देखना संभव नहीं है, वो अत्यंत गूढ़ है और प्राणियों के भीतर रहते हुए भी प्रकाशित नहीं होता है। आध्यात्मिक साधना द्वारा अंतकरण के शुद्धि हो जाने पर ही तथा आंतरिक दृष्टि के सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाने पर मनुष्य को अपने भीतर ही उस परम ज्योति का संदर्शन होता है। यह मानव जीवन की सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ उपलब्धि है। मित्रों, मैं फिर से कहूंगा कि यही मानव जीवन की सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ उपलब्धि है। परम ब्रह्म का अस्तित्व ही यद्यपि उसका संदर्शन होता है होना कठिन है। यच्छी यच्छी द्वामनसि ही प्राज्ञस्तवे तो ज्ञान आत्मोनि ज्ञानमात्मानि महति। यच्छे द्वामनसि प्राज्ञस्तच्छे ज्ञान आत्मोनि ज्ञानमात्मानि महति नियच्छित छांत आत्मानि। भगवान की प्राप्ति के लिए सोपानात्मक साधना को महत्वपूर्ण कहा गया है। मित्रों, साधक आध्यात्मिक साधना करते हुए परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। क्या बोला मैंने कि साधक आध्यात्मिक साधना करते हुए परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। वह देहोध्यास से मैं शरीर हूं, मेरा यह नाम और स्वरूप है, इस प्रकार के देह और दैहिक नाते की सब कुछ मानने के भाव से मुक्त होकर अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं की उच्चावस्था में स्थित हो सकता है। सर्वप्रथम साधक अपने सब इंद्रियों को मन की अधीन कर देता है और फिर मन को बुद्धि द्वारा नियंत्रित और शयन कर देता है। वह बुद्धि को परम शुद्ध समृद्धि बुद्धि में निमग्न कर देता है और तदंतर बुद्धि की स्वच्छ और शांत अवस्था को अपने भीतर स्थित परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा में निमग्न अथवा विलीन कर देता है तथा उसकी दिव्यानुभूति प्राप्त कर देता है। और मित्रों, वास्तव में मन बुद्धि और अहंकार के पार होने का सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा स्वयं को प्रकट कर लेता है। जैसे धीरे धीरे मेघ का आवरण हटने पर सूर्य स्वयं को प्रत्यक्ष कर देता है अथवा सहज ही प्रकट एवं प्रलक्षित कर लेता है। मित्रों, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरा निबद्ध सुरस्य धारा निसाता दुरताया दुर्गो पथरस्थ कवयो बदंती। अर्थात गुरुदेव यमाचार्य नचिकेता के जरिए समस्त मनुष्य का उद्बोधन करते हैं। हे मनुष्य, अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए तू कब तक दुख में करुण कंदन करते रहोगे, कब तक रोते रहोगे, क्लेश भय और चिंता से ग्रत रहकर कब तक असहाय होकर
नाना प्रकार की संकटों के भोगते रहोगे। तुम अमृत पुत्र हो, हे मनुष्य, तुम अमृत पुत्र हो। अपने मूल दिव्य स्वरूप को भूलने का कारण भटक रहे हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के अंश हो, स्वयं भी आनंद स्वरूप हो। समस्त क्लेश भय चिंता की अज्ञान के कारण अड़े हुए हो। उठो, जागो, सचेत हो जाओ। क्षण भर में दुख के आवरण को उतार कर फेंक दो। यह मिथ्या है, मात्र भ्रम है, अर्थार्थ है, कल्पना प्रसूत है। मनुष्य अपने दुख के लिए भगवान और भाग्य तथा अन्य जनों को दोष देने से क्या लाभ होगा? मित्रों, आप समझिए कितना अच्छी बात बोल रहे हैं। मनुष्य अपने दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है तथा वो अपने भाग्य और भविष्यता का निर्माण भी स्वयं ही करता है। जीवन ही परमात्मा की सबसे बड़ी देन है, किंतु मनुष्य अपना समय और शक्तियों को दुरुपयोग से उन्होंने केवल नष्ट कर देता है, बल्कि उन्हें भी वो दुख का कारण बन जाता है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य प्राप्ति का पथ क्या है? लक्ष्य को भूलकर मनुष्य भटक जाता है तथा शांति के मार्ग को छोड़कर अशांति की ओर चल पड़ता है। तो देवता कहते कि हे मनुष्य, तुम अमृत पुत्र हो, स्वयं अमृतमय हो, तुम आनंद प्राप्ति के पूर्ण अधिकारी हो। उठो, जागो, उन महापुरुषों के पास जाओ जिन्होंने श्रेष्ठ पथ पर चलकर परम तत्व को प्राप्त किया है। उनके पास सच्ची जिज्ञासा और श्रद्धा लेकर जाओ तथा उनसे मार्गदर्शन और प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ो तथा तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्ति न कर लो। और मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने कठोपनिषद की उस मंत्र के आधार पर ही संदेश दिया था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उन्होंने भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के उद्बोधन शुद्ध हृदयोद्रवल्यम त्यक्त नोत्रष्ट परम तप को गीता का प्रतिपाद कहा था, जिसने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निकृष्ट मानसिक दुर्लभता को छोड़कर उठो, खड़ा हो। यह गीता उद्बोधन मानव मात्र के लिए है और यह संदेश गीता में बार बार आता है। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यह गीता के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। छिन्नेनं सहस्यं योगम अतिष्ठो तिष्ठ भारत, जो कि गीता के चौथे अध्याय की 42वां श्लोक में, और तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, जो कि गीता के 11वें अध्याय का श्लोक है, उसमें कठोपनिषद की इन्हीं वचनों को पुनरावृत्ति की गई है, जो कि बताता है भगवान प्राप्त महापुरुषों अपने अंतकरण में जागरण की अवस्था में ही रहते हैं। जागरण ही तो जीवन है। मैं फिर से दोहराऊंगा, जागरण ही तो जीवन है। जागृत करना पड़ेगा, जागरण ही जीवन है। जब जागो तभी सवेरा, जब सब मोहनिया में सोते हैं प्रज्ञावान उसमें जागता रहता है। जागते रहने वाले महापुरुष का ही वेद पुरुषों है वर्ण करती है तथा उसका ज्ञान करती है। तो यही थी आज की कठोपनिषद की तृतीयावली में प्रथम अध्याय की व्याख्या। जल्दी ही मैं आपके लिए कठोपनिषद की आगे सूत्र लेकर आऊंगा और उसके व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना। ओम तत्सत तत्सत तत्सत।